हाँ जी, अलग दिन की शुरुआत हो गई और क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं वीकेंड पे जो कि गुड फ्राइडे वाला, इसने हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। कल हमने जितना अपने आप से रिसर्च कर सकते थे बिटिया की अकोमोडेशन देखने के लिए वो सारी कर ली, इसलिए हमने सोचा कि भाई यहाँ टाइम खराब करने से अच्छा है इधर से निकल जाए और हम पहुंच जाए सीधा पेरिस की तरफ, क्योंकि भाई मैंने कब आए हुए यहाँ से 6 घंटे का सफर है, तो भाई बिटिया को पेरिस ही घुमा दें। भाई तू घबराई हुई तो नहीं हुई नहीं है? एक्साइटेड है? ठीक है, बस कैमरे के आगे थोड़ी सी घबरा जाती है। बाकी भैया आपको भी मैंने कहा जितनी देश हो सकते हैं, जितने दिन हैं 10-11 दिन घुमा लें भाई, लॉटरियां निकल रही हैं, लॉटरियां रोज रोज लॉटरियां निकल रही हैं। कल जर्मनी आए हैं, आज फ्रांस जा रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ बीच पर लग्जमबर्ग भी दिखा लो इनको। वाह जी वाह, उसके बाद स्विट्जरलैंड के नज़ारे भी। तो इसीलिए हमारी इन्फॉर्मेशन भी चलेगी, साथ साथ ट्रैवल टूरिज्म भी चलेगा, और मेरी बीवी भी उसी तरफ है, रास्ते में मौका लगा तो उसको भी उठा लेंगे। BNB हमने अपना लॉक कर दिया है। इतनी बढ़िया गाड़ी और चलाए ना तो फायदा। अभी मम्मी की बस एक ही रिजर्वेशन थी कि यहाँ भी हमने BNB के पैसे दिए हैं 8,000, तू पेरिस लेके जाएगा वहाँ फिर खर्चे हो जाएंगे। मैंने कहा मम्मी यहाँ या तो सुबह उठ के बैठ के एक दूसरे का मुंह देखो और तो कोई काम ही नहीं है हमें करेंगे क्या, या फिर भाई मम्मी तो पहली बार ही हो रहा भाई है। मैंने कहा जितने आपको लंदन तो घुमा चुका हूँ, आप एक काम करो पेरिस भी घूम लो, क्योंकि इंडिया में कोई कहता कहाँ गए लंदन पेरिस गए थे तो वो चेक मार्क लग जाएगा। लाओ जी लाओ घर की चाबी, ये इसके अंदर रख देते हैं इसको, याद रखना सारे। और इसके अंदर मम्मी क्या ले गई है, ये देखो इस पर लिखा हुआ है यूरो। जब जब मैं यूरोप गया हूँ जो जो चिल्लड़ वापस ले गया हूँ, मम्मी ने पूरा 1 घंटा लगा के अमेरिकन अलग करे हैं, कनेडियन अलग और यूरो अलग। और ये अब हमारा टारगेट है कि सारी की सारी हमने मैकडी शक्ति जहाँ जाना, और ये चाहिए भी होगी बताऊँ क्यों, क्योंकि अनलाइक कनाडा और यूएसए यहाँ पे ना बाथरूम फ्री में नहीं मिलते हर जगह। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे वो कहेंगे ये पैसे मांगते हैं, या तो 50 सेंट दो, 1 यूरो दो, या फिर हाँ या फिर कई जगह ये होता है कि जैसे मैकडी जा रहे हो तो अगर आप वहाँ खाओगे तो आपके बिल में रीइंबर्स हो जाएगा 50 सेंट, 50 सेंट की जो टिकट होती है। हाँ नहीं तो फिर आप पैसे। मैप कहाँ से आएगा, मैप से कार प्ले। चल कुल मिला के 670 किलोमीटर का सफर है, 6.5 घंटे, और कह रहा है कि 3 बजे पहुंच जाएंगे, बट अब देखते हैं कि कितना नॉन स्टॉप भगा सकते हैं। चल अब देखना भैया जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर आएगा ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कब दूसरे देश के अंदर आ गए, छोटा सा बोर्ड लगा होता है बस। अभी तो थोड़ी और जमी हुई है बट दिन का फोरकास्ट है कि सूरज निकल आएगा, लेट्स सी। बाकी जी हेड्स अप डिस्प्ले है गाड़ी के अंदर, डीजल तो भैया हर टाइम ही फुल रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टैंकी ऑलमोस्ट फुल ही है, अभी खाली हो जाएगी और 300 किलोमीटर के बाद रास्ते में भरवाएंगे। वो तो चक्कर नहीं है कि हरियाणा में सस्ता यूपी में महंगा है, यहाँ तो आप हरियाणा यूपी में एक एक देश क्रॉस कर लेते हो। पेरिस का पता नहीं, नहीं हर जगह अलग, यहाँ पे पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप भी अलग होता है भैया। अच्छा इंडिया का सोचा नहीं, नहीं महंगा होगा तो हरियाणा से भरवाते चलते हैं। पेरिस जाके फ्रांस जाके, मगर यहाँ पता गूगल मैप पे आप नक्शा लगाओ ना तो उसमें हर एक का रेट बता देता है कि इस पे ये चल रहा है इस पे ये चल रहा है, पर ज्यादा फर्क तो नहीं होगा ना। ना ना 2-4-5 सेंट ज्यादा से। सुंदर सुंदर घर बने, मजा आ गया, देखते हुए जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया ये। अभी यहाँ पे ना जर्मनी है तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को अभी पता है कि जर्मनी के अंदर कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है, ऑटोबान जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर, तो जैसे ही एक पर्टिकुलर साइन आता है कैंसल का, इसका मतलब नो स्पीड लिमिट, भगाओ जितनी भगानी है। अभी हम सॉग एरिया में, ये जो साइन है ना भैया ये आपको बता रहा है कि भैया अब फ्रीवे जो मेन हाईवे होता है ना मोटरवे वो शुरू हो गया, यहाँ से अब हम मर्ज कर जाएंगे मेन मोटरवे पे जिसपे स्पीड लिमिट नहीं होती। ये जो जी मेरे हेड्स अप डिस्प्ले में आपको साइन दिख रहा है ना यही है नो स्पीड लिमिट का साइन, यानी अब यहाँ पे स्पीड लिमिट है ही नहीं। लेन चेंज हाँ, यहाँ ये ट्रकों की लेन और स्लो व्हीकल्स की होती है या मोटर होम वगैरह की। फ्रैंकफर्ट है यहाँ से 100 किलोमीटर, हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट, फ्रैंकफर्ट को बाईपास करते हुए हम जाएंगे पेरिस की डायरेक्शन में। ये लेन चेंज करके 120 की स्पीड पे ही चलाऊंगा मैं, इससे ऊपर मैं ज्यादा कंफर्टेबल होगी नहीं। अभी अभी है वो हाईवे आ गया जो बड़े शहरों को, हम छोटे शहर से आ रहे थे ना, अब ये बड़े शहरों को कनेक्ट करने वाला आ गया है, भीड़ शुरू हो गई क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी जा रहा है, ट्रैक्टर दिखने शुरू हो गए हैं। ओ जी इवेंट की टांग ही नजर आ रही, इतनी ओर से आ गई।
अब जी हमें पता लगा सैटरडे को एटलीस्ट ना सुपर मार्केट खुली होती है, ग्लोबल से आके ना बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है, तो इसलिए बस अपन यहाँ पे आए हैं और इतनी भीड़ है भाई साहब, क्योंकि लोग जो है ना सामान लेने आ गए जितना मिल जाए उनको, क्योंकि छुट्टी का दिन है ना कल परसों फिर, इसलिए सारा शहर निकला है सामान लेने हैं। वाह वाह अच्छे था, स्लाइस कितने की है पता करो? हाँ जी पिज्जा स्लाइस 240 की है, नॉट बैड। ये तो भैया जो रेस्टोरेंट, ये इनका मेन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप चीजें उठाओ अलग अलग जगह के खाने रखे होंगे, जिस जिस जो जो चीज उठाओगे एंड में आपका बिल टोटल हो जाएगा प्लेट का। हाँ जैसे वो देखो ना सामने ऊपर बूफे टाइप लगा हुआ है, ये अंडे है अंडे सैलड वैलड लगी होती है यहाँ पे, ये इनके हाँ इनके रेट लिखे होंगे यहाँ पे, नहीं लिखे हुए ऊपर लिखे हुए, अच्छा बड़े बड़े 4, 2.5 और 2.5। ये बहुत महंगी तो नहीं है, इतनी बड़ी सारे हाथ के बराबर का साइज है इसका। भाई वो तो इतनी किचन में चीजें देख देख के इतनी एक्साइटेड हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पेस्ट्री सिर्फ 400-300 रुपए की लग रही है, तो दिल्ली में भी इतनी महंगी आ रही है। अभी तो रेस्टोरेंट आए हम, सुपर मार्केट है जो पीछे दिख रही है, रेस्टोरेंट में घुसे अलग अलग तरह की चीजें दिख रही है, एक्साइटमेंट इतनी, फोटो खींच खींच के वो छोटी बेटी को रक्षिता में उसको मिश्का को भेज रहे हैं। सबसे पहले फूड सेक्शन भी है, बाकी आपने कुछ भी सामान लेना ना, ये ऑलमोस्ट हर चीज ही मिल जाती है। अच्छा सुई से लेके में चलते हैं, अभी लेना तो ऐसा हमने कुछ है नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अब हमने तो वहां भी नहीं जाना पड़ा मेरे ख्याल से। हाँ उस तरफ आ गए, हमने आज वहां भी नहीं जाना ना, क्या कहते हैं आप, तो हमारे पास बीएनबी तो है नहीं, तो कुकिंग का तो है ही नहीं, कुछ बाहर से ही खाएंगे, खाएंगे तो इसलिए भी रस्ते के लिए स्नैकिंग और वो सब ले लेते हैं। बिल्कुल प्रोटीन बार यहाँ आप रेट कंपेयर कर लो भैया, 200-250 रुपए के हिसाब से लगा हुआ है, किलो का है, केजी लिखा हुआ है। अच्छा। इतना तो होगा ही वहाँ पे भी, 200 रुपए किलो तो वहाँ भी है, 200 तो है ही है, तो वो समझ लो 200-250 ही हुआ है, में भी 200 से कम तो सेब है ही नहीं। लूज वाले लेने, क्योंकि एक दो पीस ही लेने ना, इटालियन है 250 रुपए किलो। इतने सेब है कौन से लोग है भैया, आपने हरे ट्राई किए भी अच्छे मीठे होते हैं। हाँ। एक दो हरे ट्राई कर लो आज, 4-3.5 के किलो तो बहुत महंगे ऑर्गेनिक होंगे ये, नहीं नहीं एक सेकंड, 3.5 पर केजी लिखा हुआ है, सॉरी नहीं 1 केजी 4 यूरो का है। वही तो जूस की मशीन भी लगी हुई है अभी, अगर ना जूस ही निकालता हूँ यही, तो ये क्या डालू, ऐसी डाल दू है, ऐसी डाल दू पता नहीं कैसे, मेरे ख्याल से अपने ही यहाँ से उठा के खरीद के डालने हैं, या वो ऊपर से डाल रहा है, या बोतल का रेट लिखा होगा, डालेंगे तो छील गई बोतल का रेट होगा। हाँ नहीं नहीं छीलता अपने आप, छीलता है भैया अंदर भी। हाँ छीलेगा हाँ, अपने आप, ये लिखा है देखो, ये 499 की, ये 349 की, वैसे भी संतरा जो है छील के खाना चाहिए, बॉडी में एकदम शुगर सर्ज नहीं आती। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है यार, वाकई ये तो, अरे वो है ये पंपकिन है छोटे, पंपकिन है मेरे ख्याल से, ये तो 2-4 पीस उठा लो, संतरा ले लो, संतरे किनू है, कीनू है वैसे, कीनू है कीनू। अब जो है बस थोड़ी सी सब्जियां संतरे वगैरह उठा के ना रस्ते के लिए, फ्रूट्स थोड़े निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी रास्ता बहुत बचा है, मम्मी ने ढूंढ लिए, ये सही रहते हैं रस्ते के लिए, पूरा गुच्छा ऑरेंजन 279 का पैकेट। अरे वाह बनी बनाई सैलड मिल रही है अभी, कितने की है, 5 यूरो, नॉट बैड। मैंने अपने लिए फिर ये आइटम ले लिया, क्योंकि कुछ ना पीने के लिए चाहिए होता है, एनर्जी है कुछ, मगर शुगर वगैरह उतनी कम है, 13 कैलोरी, थोड़ी कैफीन होगी, बहुत गाड़ी चलानी है शायद थोड़ा काम आ जाए, वैसे मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है, बट अभी ले लेते हैं। चलो जी फाइनली यही सामान है जो हमने लिया है, एवोकाडो शाम को खा लेंगे, एप्पल रस्ते के लिए ऑरेंजेस, मैडम का योगर्ट और थोड़े चिप्स। भैया कहते लस्सी ढूंढने के लिए, लस्सी मंगी जेडन टैग, ये भाई साहब ये लस्सी बेच रहे हैं, इसका टेस्ट आपको बिल्लू की लस्सी टाइप तो नहीं मिलेगा, पानी की एक ही बोतल ली है बस, ये वो गैस वाली ना हो भाई जी, तो चिल्लड़ वाली मशीन है यार, अगली बार सारे चिल्लड़ लाके इसी में जमा करा देंगे, नोट निकल आएंगे इसमें, वैसे तो वेज में ये भी पड़े हैं, पर भैया के लिए सॉसेज भाई जी, मैंने करी वूस्ट मंगवा लिया, जर्मन स्टाइल चीज खाएंगे, सॉसेज मिल गई अपना चिकन वाली, मगर तरी डाली तो उसके ऊपर इतनी सारी डाल दी है, ऐसा थोड़ी सी गलती है, बट चलो जो भी है, छोटा शहर है तो लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ पे है, बेसिकली कहने का मतलब है इशारों से या फिर कुछ चीज चाहिए वो दिखा के या ट्रांसलेट ऐप से समझाया है। भाई जी करी वोस्ट की जो सॉस एक्स्ट्रा आ गई ना पिज्जे की, एक मैंने कहा बाइट ले लूं इसके साथ, तो ये इतनी चटपटी सॉस है, मजा ही आ गया। लस्सी जो है तेल वो लाते हैं ना देसी घी, वो कितने
सनफ्लावर वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 लीटर का रखा हुआ, मैंने कुप्पी रखी हुई घर पे। अच्छा, कुप्पी हटा देता हूँ। अब बंदा मम्मी को लस्सी अलग बोतल में, कुप्पी लेके आनी पड़ती, बट लस्सी डल रही है बोतल के अंदर। भैया एक एक नजर ऊपर उठा के देखे, होगी होगी होगी, ग्रीन होगी ग्रीन होगी। चलो चलो, ये हाईवे में मर्ज हो गए हैं, मगर अब सीन ही हो गया है कि लस्सी जो है वो बिल्कुल ही फीकी है। और उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे नमक काली मिर्च मिल सकता था, मम्मी कह रहे थोड़ा इसके अंदर पानी मिला, थोड़ा नमक थोड़ी काली मिर्च, फिर फ्लेवर आया। तो चलो, ये हमारा पहला साइन आ गया टुवर्ड्स पेरिस, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं थोड़े टाइम। बाकी थोड़ा चला के कॉन्फिडेंस आ गया, तो गाड़ी को 150 पे रखी हुई है क्रूज कंट्रोल पे, क्योंकि सामने खाली है, बिल्कुल अडाप्टिव है, अपने आप डिस्टेंस ब्रेकिंग लगती रहती है, तो इसीलिए अपना स्मूथ। जी हार्लीज के वो जा रहे हैं, बाइकर्स का ग्रुप पूरा। यहाँ से सीधा चले जाएं तो लग्जमबर्ग, जो कि एक और कंट्री है, वहां पहुंच जाएंगे, मगर हमने कटना है पेरिस की तरफ, इसलिए हो जाएंगे राइट। लो जी आ गया पेरिस का कट। 400 किलोमीटर 4 घंटे से कम। लो जी कैंपर आ गया। यहाँ पे ऐसे ट्रेलर होते हैं जो गाड़ियों के पीछे लोग लेके चलते हैं, इनमें भी कोई फैंसी स्लाइड आउट वगैरह कुछ नहीं होता, बेसिक काम करते हैं, और ये नॉर्मल गाड़ियां खींच लेती हैं क्योंकि हल्के होते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। जिस गाड़ी में हमें ये भी खींचने लायक है ट्रेलर, ये जो काली लाइन थी बॉर्डर क्रॉस हो गया भैया, पता लगा वो? मेरे को पता कैसे पता लगा? क्योंकि आगे लिखा हुआ आ गया कि फ्रांस स्पीड लिमिट हाईवे पे 130। जर्मनी में है ही नहीं ना, फ्रांस में ऐसा नहीं है कि स्पीड लिमिट नहीं है, अब यहाँ 130 की हो गई है, तो मैंने वो साइन देखा तो मुझे पता लगा कि फ्रांस में एंटर कर गए हैं। Oh Lord. कुछ भी नहीं बॉर्डर का, कुछ भी नहीं, नथिंग। अभी हम फ्रांस एंटर कर गए, मगर हर कंट्री में ना यहाँ पे हाईवे का टोल अलग होता है, जो ना भरो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बॉर्डर पे ही आते हैं। बॉर्डर तो हमने क्रॉस कर लिया, अभी तक आया नहीं। ओ दिख गया, यही है पीएच यूरो, हाँ यही है भैया। हो गया चलो, जरा मैंने सोचा था उसके मुकाबले तो आराम से ही हो गया था। ठीक है, एक और आ गया, पता नहीं यहाँ से जाऊँ, वहां हो सकता है कार्ड ऑथराइज किया हो, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, भगवान जाने। प्राइस 480 लिखा हुआ इस पे। गया, आ गया मर्सी बोन रूट, होगी पेमेंट 480 यूरो। मम्मी पता नहीं, 2 बार दिया, 1 बार दिया, एकदम से ही जाते, इतना तो पहली बार कभी नहीं हुआ, 200 मीटर के अंदर ही आ गया। यहाँ बताया हुआ बारिश में 110 वरना 130 की स्पीड लिमिट। अभी मैं देख रहा था कि सामने स्पीड लिमिट 130 लिखी हुई है, मेरी गाड़ी का हेडसअप डिस्प्ले जो है वो 110 बता रहा है, चक्कर गया। तो जबकि 2 130 वाले सिग्नल भी क्रॉस किए, बाद में ध्यान आया बारिश आ रही है, बारिश में स्पीड लिमिट 130 की जगह 110 हो जाती है, गाड़ी को तो पता है क्योंकि वाइपर चल रहे, तो इसने अपना जो है स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली 110 कर दिया। अब जी एक और टोल आ गया, अब यहाँ पता नहीं क्या पोजीशन है, बंदा कोई बैठा नहीं बताने के लिए, वो निकालो वो निकल गया, मशीन में से कुछ तो निकल रहा है, पर्ची निकल गई है। ये फिर पर्ची आगे दिखाएंगे कहीं ना कहीं टोल पे, तो वो ये पर्ची एंटर करके हिसाब लगा लेंगे, अच्छा ये इस जगह से एंटर किया होगा, इतना इसका बिल है, देखते हैं यही होगा। हाँ ये संभाल लेते हैं भैया। बारिश ने हमारी स्पीड स्लो कर दी 110। पार्किंग इधर है, कार्स और कैंपर्स की आगे। AIREF जहाँ तक मेरा ख्याल है वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे स्टॉप्स को, तो हम बार बार वो देखते हुए आते हैं। बाकी यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल, छोटा सा पीछे से वॉशरूम, पीछे बैठने के लिए लोगों के पिकनिक सेटअप वगैरह, आओ तो अपना खाना वाना किसी ने खाना हो, बच्चों के लिए थोड़े झूले वूले वो सब बना होता है, और गैस स्टेशन वाले अलग होते हैं, मगर ये हाईवे के किनारे होते हैं, अपने टांगे टूंगे सीधी करनी है तो कर लो। फिलहाल हम यहाँ पे अपनी वीडियो रिलीज़ कर लेंगे, क्योंकि शाम के इंडिया में तकरीबन 7:45 हो गए हैं, तो मैं थंबनेल बना के वीडियो रिलीज़ करूँ, तब तक अपने सारे लोग टांगे स्ट्रेच कर लेंगे। और ये जी गार्बेज डंपिंग, इसके अंदर हम डाल देंगे, ऑल वेस्ट लिखा हुआ है, रिसाइकल रिसाइकल का पंगा नहीं। इमरजेंसी फोन भी लगा हुआ है जी, आपने हाईवे सर्विसेज को कॉल लगानी हो तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया एक के अंदर प्लास्टिक, एक के अंदर कैंस वगैरह, बट भैया गए हैं अंदर थोड़े से सेब वगैरह धो के लाने के लिए रास्ते के लिए। फीली अलग है, चाबी ले गए अंदर, अब मैं यहाँ डिजाइन शुरू हो जाते हैं। चलो करो स्टार्ट,
और चले। एक और टोल आ गया जी, बंदा तो यहाँ कोई नहीं बैठा, ये यूरो वाले में ही ले लें, यूरो वाले में बंदा बैठा होगा चेंज देने के लिए, तो पैसे तो कट ही रहे हैं यहाँ पे भी वैसे। बंदा तो यहाँ भी कोई नहीं बैठा, मशीन में कैश डल जाता होगा और कैश डाल के निकाल रहे हैं ज्यादा मेरा ख्याल है। यहाँ देखते हैं क्या ये क्या करता है भाई, कार्ड से नहीं पर्ची डाली है, जो हमने पर्ची ली थी वो पर्ची डाल रहा है मेरे ख्याल से, देखा ना और पर्ची डाली है और कार्ड भी डाला है, पर्ची के हिसाब से रेट कैलकुलेट होगा भैया फिर। हाँ यहाँ पर्ची जाएगी, ये देखो एरो बना हुआ ना इसमें, 26 यूरो मांग रहा है टोल के, 26 यूरो 2600 रुपए 2500 रुपए उड़ गया। नहीं फरीदाबाद टू अमृतसर चेक करो कितना टोल लग रहा है क्योंकि पर हमने टोल रोड पे कितने किलोमीटर चले हैं भैया, 250 किलोमीटर का टोल तो होगा ये, 450 किलोमीटर 800 रुपए ले रहा है, ठीक ही ले रहा है, गूगल मैप पर 650 के करीब आ रहा है, इतना ही होगा इसमें, ठीक है अब यूरोप की महंगाई है भाई, उससे पहले 4 यूरो एक और घटे थे, 2600 ये घट गए तो पर्ची के घटे हैं, उसने पर्ची के हिसाब से रेट लगाया। और तरीका भी होता है यहाँ पे, अवॉइड टोल करके भी जा सकते हैं, उससे इस हाईवे की जगह साथ वाली जो सड़क है उनसे 1.5 घंटा रास्ता बच जाएगा, बंदा फ्री में जा सकता है, मगर फिर उनमें वो होती है यहाँ पे बंदा क्रूज कंट्रोल पे चला रहा है, आराम से चल रही है, बढ़िया सड़क है। कुलसी है भाई, ये लगता है किसी का चलान काटता है। हाँ हाँ रोक लिया, बुला लिया अंदर आ जा भाई, उसको इशारा करके अंदर बुला लिया, ताकि रोड पे ना रुके अंदर। हाँ रोड पे ना रुके अंदर, साइड पे रुके, हो गया चालान हो गया भाई, कितनी अच्छी बात है कि अंदर जाके रोका है, साइड पे हाईवे पे ना रोक रहे। वाह जी वाह, सरसों लहरा रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये साथ में अपनी रडार गन लेके खड़े होते हैं और जैसे ही कोई आया सामने से स्पीड बढ़ा बाइक, उसने पीछे लगाई फ्लैशर ऑन की है, उसके आ गया इशारा किया भाई यहाँ उतार ले, ठीक है पर्ची कटेगी मोटी। तेल ऑलमोस्ट 1/4 ही रह गया अभी, रिजर्व नहीं लगा मगर फिर भी 214 की रेंज बता रहा जाता मेरा ख्याल है। पेरिस की भाई सिटी लिमिट शुरू हुई। ये क्या आइटम जा रही है भाई, वाह शौकीन है अंकल, बाकी पेरिस की बस आंटी है, आंटी है उत्तरी, पहले तो ये पता करो आंटी है अंकल, उसके बाद गाड़ी थी नहीं यार अंकल आंटी समझ नहीं आ रहा क्योंकि हेडफोन लगाए हुए हैं तो इसलिए, बट अब ये पेरिस का सारा कमर्शियल जोन शुरू हो गया, यहाँ से हमने एंट्री लेनी है, सीधा जाएंगे सेंटर आ जाएगा, मगर हमने ऐसे घूम के जाना है इधर दूसरी तरफ, जाम सस्ते में रुक रहे ले। चलो जी ये है जी अपना होटल, सामने 2-स्टार होटल बुक कराया है, क्या कह रहे हैं पार्किंग अभी है? वो उनका वो दिखा रहा था, कह रहा पार्किंग फिनिश्ड। अच्छा कह रहा आप यू टू पार्क देयर, देयर क्या इधर ही कह रहा था इसकी यहाँ पे। हाँ यहाँ तो पर्ची लग जाएगी, वो कह रहा है पेड है ये, तो पर पेड तो ठीक है, और पे करना कहा है उससे पूछते हैं, पूछते हैं चलो पेड जो भी है कहाँ, या मेरे ख्याल से ये इसकी सरकारी पार्किंग में कह रहा होगा अंदर लगाने के लिए, पर छुट्टियों वाले दिन ना पार्किंग फ्री होती है। 7,500 रुपए पर नाइट में मिला, इसमें कमरा जाके दिखाता हूँ भाई, फ्लैशर ऑन कर दिया ताकि कोई पर्ची ना काट दे, मेरे को दे दो मम्मी आप करो, पकड़ लिया गाड़ी लगा के आजा, नहीं नहीं कोई नहीं मेरे को अभी गाड़ी उससे समझ लेता हूँ एक बार एग्जैक्टली कहाँ गहरा लगाने के लिए। चेरी भाभी का चीता प्रिंट बैग है, यहाँ बाहर लिखा होता है ऐसे कितने स्टार है, इधर 2-स्टार लिखा है, थोड़ी बहुत जगह तो वहाँ भी बनी है, कह रहा स्ट्रीट पे कहीं भी लगा दो, कहता मैं तो इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, बाकी कह रहा इतनी पास मत लगाओ सड़क की, यहाँ कोई ना कोई पर्ची दे जाएगा, वहाँ वो जो गाड़ियाँ खड़ी है उधर कर लो या 2-3 मीटर अंदर कर लो, तो कहने का मतलब है ये ग्रे जोन ही है। होटल वालों के पास जो है लिमिटेड पार्किंग स्लॉट थे 36 और 36 के 36 गए और 15 यूरो एक रात के मांगते हैं अपनी पार्किंग में। आजा माता जी बिल्कुल गुजारे लाल कमरे में रेस्ट करना, साफ सुथरा कंफर्टेबल होना। देखो बजट होटल्स में ऐसी होता है, आपको कोई ये नहीं है कि कबड़ कुबड़ मिलेगी, यही टांग लो जो टांगना है लिमिटेड 1-2 दिन के कपड़े। मैं पूरा इलाका घुमाया, पीछे ना कुछ कमर्शियल इंडस्ट्रियल मार्केट और बड़ा शेडी सा ये इलाका है आजू बाजू, मेरे को लग रहा है कोई गाड़ी के शीशे वीशे ना तोड़ दे रात को, पेरिस में वैसे ये काम बहुत होता है, तो यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 70 यूरो की पर्ची लग जाएगी, 50 यूरो की नॉन गलत जगह पार्किंग की, बट एटलीस्ट चोरी वोरी कुछ नहीं होगा या उखड़ेगा कुछ नहीं है, कोई शायद तोड़ ना दे क्योंकि उस बंदे ने बोला कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे और ये बहुत खुले में इलाके हैं, उसका रात को बड़ी लाइटें भी जल जाए तो भैया उसके रिस्क लेने लेके भी मुझे लग रहा है गाड़ी रात को यहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ ये बिल्डिंग है, इसके इधर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उससे पूछ लेता हूँ यार यहाँ लगा दूँ लागे, क्योंकि ये पता नहीं है जो निशान बने हुए हैं ये कोई स्पॉट बताने के निशान है या क्या है,
क्योंकि कुछ नहीं पता लगता। बस ऐसी पार्किंग बीच बीच में कटी हुई है, ये भी थोड़ी और आगे होता तो मेरी गाड़ी फिट आ जाती, इसमें इसके अंदर तो आएगी नहीं। बाकी टूस्टर होटल है तो मम्मी आई, मम्मी कहती है भाई मैं ना इंसुलिन भी रखनी है, जो संतरे सुंतरे लेके हैं फ्रिज में डाल दो। मैंने कहा कहाँ है फ्रिज कुछ नहीं। फिर मम्मी कहती है थक बड़ी गई हूँ बबलू भैया ना सैशे लेके आए हूँ अपना चाय बनाने के लिए और दूध का पाउडर भी लाया है, केतली का है। मैंने कहा कोई केतली नहीं है। फिर मम्मी कहती हाय राम इसमें बेड घिसा के टेढ़ा हो गया। भैया गुजारे लाल काम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अपना जो है सिर्फ रात काटने की और उड़ जा रहेगा।